आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं रिसुजन आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस आत्मिक मन्ना प्रोग्राम के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अदन के बगीचा के बारे में कि अदन का बगीचा कहाँ स्थित है, प्राचीन इतिहास से इस स्वर्गीय भूमि का क्या हुआ, अदन की वाटिका में आदम और हवा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया और उसने उन्हें उनके लिए एक आदर्श स्थान पर रखा, अदन का बगीचा। पाप करने के बाद आदम और हवा को हमेशा के लिए वाटिका से निकाल दिया गया। तो क्या हम मान लें कि यह बगीचा वास्तव में मौजूद है, कि इसका एक सटीक स्थान है? यदि हाँ तो उसका स्थान कहाँ है? अदन का बगीचा का भौतिक स्थान, बाइबल से यह स्पष्ट है कि अदन का बगीचा एक सटीक स्थान है और यह केवल एक पौराणिक स्थान नहीं है। स्थान चार नदियों से जुड़ा है जिनका उल्लेख बाइबल पाठ में उत्पत्ति के अध्याय में किया गया है। ये है परात, टाइग्रिस, पीसन और गिहोन। टाइग्रिस और यूफ्रेटस दो प्रसिद्ध नदियां हैं जो आज भी इराक में होकर बहती है। बाइबल में कहा जाता है कि वे असीरिया से होकर बहती थी, अर्थात आज का इराक। गिहोन और पिसोन के लिए सटीक स्थान अज्ञात है। गिहोन कूस की भूमि से जुड़ा है जो फारस की खाड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो कूस सीमाएं होने का मतलब है कि ईडन गार्डन यानी अदन का बगीचा मेसोपोटामिया में कहीं है। क्या अदन का बगीचा आज भी मौजूद है? अगर अदन का बगीचा एक वास्तविक जगह है तो क्या इसे आज अच्छी स्थिति में पाया जाना चाहिए, हाँ या ना? पाप के ब्रह्मांड में प्रवेश करने से पहले यानी आदम और हवा के पाप में गिरने से पहले यह आदर्श स्थान हमें बाइबल में प्रस्तुत किया गया है। पाप का प्रभाव अदन की वाटिका में महसूस किया गया था जैसा कि पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर होता है। क्योंकि गिहोन और पिसोन नदियों का एक अज्ञात स्थान है, इसका मतलब है कि आदम और मूसा के बीच बड़े भौगोलिक परिवर्तन हुए। मनुष्य के पाप में गिरने के कारण और महाप्रलय के बाद ऐसा लगता है कि बड़े परिवर्तन हुए हैं। तो आप वास्तव में अदन की बगीचा की तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि भौगोलिक परिवर्तन जिसने पूरी पृथ्वी को बदल दिया है, उसी ने भी इस क्षेत्र को बदल दिया। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे ज्ञान मिले होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और नए वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।